हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? बहुत बढ़िया, बस मजा कीजिए और कुछ भी नहीं है आपके लिए। अभी कोई नए समाचार नहीं है। हम हमारी गणित में कक्षा 10 की पाठ 3 में द्विचल समीकरण में दोस्तों विलोपन की विधि सीख रहे हैं। आज दोस्तों हमारा ये अंतिम लेक्चर है इस विधि का। कल दोस्तों आपको इसका एक पेपर आएगा। पेपर सुबह 10 बजे आपके स्क्रीन पर होगा और 10:30 बजे तक आप सभी को एग्ज़ाम देनी है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम दें। ये जो पिछले 4 वीडियो में जो मैंने सिखाया है दोस्तों, केवल उसी के एग्ज़ाम है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। 3-3 नंबर के 5 समीकरण दूंगा दोस्तों, 5 आपको सॉल्व करके देने हैं। दोस्तों आज के सवाल भी मैंने मन से लिए हैं। आज आपको केवल किताब का एक सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, केवल और केवल एक। बराबर 2 मैं करूँगा, 1 आपको दूंगा किताब का। किताब का होगा स्वाध्याय 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम अपने बाहर के सवाल देख लें। आज दोस्तों नीचे दोनों में x प्लस 1 है, इसमें y प्लस 2 है। कल की ही रीति अपने माना, जो नीचे एक जैसा है उसको माना a, x प्लस 1 बराबर a मान लिया। इसी तरह से 1/y प्लस 2 बराबर मान लिया मैंने b। 4 का 4 नीचे x प्लस 1 की जगह लिखा a, प्लस का प्लस, 7 का 7 y प्लस 2 की जगह लिखा b बराबर 2। समीकरण नंबर दे दिया इसे दोस्तों मैंने 1। इसको हल किया 10 का 10 x प्लस 1 की जगह a, प्लस 14 का 14 y प्लस 2 की जगह b बराबर 9/2। ये तो दोस्तों हुआ, लेकिन ये बट्टे में तो एक काम करें, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान के चौपड़ी गुणा कर रहे हैं। इसका इसमें, इसका इसमें, बीच में बराबर है, नीचे नीचे का गुणा नहीं होगा। 2 का गुणा किया दोस्तों, 10 × 2 = 20 है, प्लस 14 × 2 = 28 भी बराबर 9 × 1 = 9। ये स्टेप में बीच में बराबर होने के कारण नीचे नीचे का गुणा नहीं हुआ। इसके आगे 20 है, इसमें 20 का गुणा बढ़ा। इसके आगे 4 है, इसमें 4 का गुणा। 20 का गुणा कर रहा हूँ, 20 × 4 = 80 है, प्लस 20 × 7 = 140 भी बराबर 20 × 2 = 40। यहाँ 4 का गुणा किया दोस्तों, 20 × 4 = 80 है, प्लस 28 × 4 = 112 भी बराबर 9 × 4 = 36। चिन्ह बदल दिए दोस्तों, यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये तो चले गया दोस्तों। प्लस का 140, माइनस का 112, विरुद्ध चिन्ह घटा हो गया, 28 भी आ गया, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 140 है प्लस में, इसलिए प्लस का। 40 में से 36 गया, प्लस का 4 आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या 40 है प्लस है इसलिए। तो b बराबर आ गया दोस्तों 4/28, 4 × 4 = 4, 4 × 7 = 28, तो b बराबर आ गया 1/7। ये तो दोस्तों b आया, अभी a भी चाहिए। चलिए तो b बराबर 1/7 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 बड़ा 4a + 7b = 2। दोस्तों 4 का 4 a का a, प्लस का प्लस, 7 का 7 b की जगह 1/7 = 2। 7 से 7 चले गए दोस्तों, 4a + 1 = 2 आया। प्लस का 1 वहाँ ले गया दोस्तों माइनस में, 4a = 2 - 1। तो दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ मैं बेटा, थोड़ी जगह वहाँ कम पड़ेगी मुझे, इसलिए आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको नए पेज में लिखना है। 4a = 2 में से 1 गया 1, a = 1/4। तो दोस्तों a और b आया, पर सवाल मेरा a और b में नहीं, x और y में है। कोई बात नहीं, लिख लेते हैं a = 1/4, यहाँ पर फिर लिटी बनाई, b = 1/7। a का मूल्य लिखा क्या है बेटा, 1/x + 1 = 1/4 हुआ, पर मुझे तो x ऊपर चाहिए, तो इसको उल्टा करो तो ये भी उल्टा हो जाएगा। क्या हो गया, x + 1/1 लिखेंगे नहीं, बराबर 4/1 लिखेंगे नहीं, प्लस का 1 गया माइनस में, x = 4 - 1, तो x = दोस्तों मेरा 3। सेम या बी में भी कर रहा हूँ बड़ा, बी का मूल्य क्या है, 1/y + 2 = बी माना था 1/7, इसको उल्टा करूँगा ये भी उल्टा हो जाएगा, y + 2 = कितना आ गया दोस्तों 7, प्लस का 2 ले लिया माइनस में, y = 7 - 2, तो y = आ गया मेरा 5। तो इस तरह से दोस्तों मेरे पास x, y = 3, 5 उत्तर मिल चुका है। दोस्तों सेम टू सेम एक और ये सवाल मैंने और लिया है, ये भी मेरे मन से लिया मैंने। दोनों के नीचे x - 1 है, दोनों के नीचे y - 1 है। तो सबसे पहले लिखा मैंने माना 1/x - 1 = a, इसी तरह 1/y - 1 = b मान लिया। 4 x - 1 = a, प्लस 5 y - b की जगह b = 2, समीकरण नंबर 1। इसको देखा 8a +
15 बी बराबर 3 आ गया, इसको दिया समीकरण नंबर 2। ए के आगे 8 है तो यहाँ 8 का गुणा, ए के आगे 4 है इसमें 4 का गुणा, गुणा क्या 8 चौक 32 ए प्लस 8 पंचे 40 बी बराबर 8 दूनी 16, 4 का गुणा 8 चौक 32 ए प्लस 15 चौक 60 बी बराबर 4 दिया 12। चिन्ह बदले दोस्तों, माइनस 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 से चले गया अपना बड़ा, 20 में प्लस का 40 प्लस का 60 माइनस का, विरुद्ध चिन्ह घटा हुआ, 40 में से 60 तो जाएगा नहीं, 60 में से 40 गया 20 भी आया, बड़ी संख्या 60 है माइनस है इसलिए माइनस में आएगा बराबर, 16 में से 12 गया प्लस का 4, बी बराबर आ गया 4 बट्टे माइनस 20। आपको याद है माइनस कभी नीचे नहीं लिखते, कहाँ लिखते हैं ऊपर, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, क्या आ गया बेटा बी बराबर माइनस 1 बट्टे 5। ये तो बी आया, अभी ए चाहिए, चलिए तो बी बराबर माइनस 1 बट्टे 5 समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, 4 ए प्लस 5 बी बराबर 2, 4 का 4 ए का ए प्लस का प्लस 5 का 5, बी के जगह माइनस 1 बट्टे 5 बराबर 2, 5 से 5 गया बड़ा, 4 ए का 4 ए हो गया, प्लस और माइनस माइनस 1 बराबर 2 आया, माइनस का 1 वहाँ गया प्लस में, 4 ए बराबर 2 प्लस 1, तो हो गया मेरे पास 4 ए बराबर 2 और 1 3, तो ए बराबर 3 बट्टे 4। दोस्तों ये तो ए और बी आया, मुझे ए और बी नहीं, सवाल एक्स और वाई में है, तो फिर से एक काम करो एक्स और वाई की जगह लिखो, नहीं ए बराबर कितना आया बड़ा 3 बट्टे 4, बी बराबर आया माइनस 1 बट्टे 5। चलिए ए की जगह क्या माना बड़ा, 1 बट्टे एक्स माइनस 1 बराबर 3 बट्टे 4, मुझे x माइनस 1 चाहिए, तो इसको एक काम करो ये उल्टा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, क्या हो गया x माइनस 1 बट्टे 1 तो लिखते नहीं बराबर, उल्टा कर दिया तो क्या हो गया 4 बट्टे 3। अब इसको क्या करो, तो एक काम करो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान के चौकड़ी करो, ये बार बीच में बराबर है, नीचे नीचे का गुणा नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा 3 का गुणा दोनों में करेंगे, 3 का x में 3 एक्स माइनस 3 एक कम 3 बराबर 4 एक कम 4, x चाहिए माइनस 3 वाले जाओ प्लस में, 3x बराबर 4 प्लस 3, 3x बराबर 3 और 4 हुआ 7, x बराबर 7 बट्टे 3 आ गया दोस्तों। अभी बेटा मुझे y में भी ऐसा, b में भी ऐसा लोचा है, तो b का मूल्य लिखो, चलो क्या है b बराबर y 1 बट्टे y माइनस 1 बराबर माइनस 1 बट्टे 5, इसको उल्टा लिखेंगे तो ये भी उल्टा लिखेंगे, क्या हो गया y माइनस 1 बट्टे 1 तो लिखते नहीं बराबर 5 बट्टे माइनस 1, तो माइनस तो नीचे नहीं आता ऊपर लिख दे, 1 तो कुछ लिखते नहीं है, चलो प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस में गया, वाई बराबर माइनस 5 प्लस 1, वाई बराबर विरुद्ध चिन्ह घटा हुआ, 5 में से 1 गया 4 आया, बड़ा कौन है 5 है के 5 बड़ा है माइनस है इसलिए काई में आएगा माइनस। अंत में उत्तर लिख देंगे दोस्तों, एक्स कॉमा वाई बराबर 7 बट्टे 3 कॉमा माइनस का 4। दोस्तों बहुत 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 आईएमपी रीति आपने यहाँ पूरी की बड़ा, यही विधि है जो सबसे आईएमपी है, हम अगले पीरियड में दोस्तों जरूर सिखाएंगे अपनी व्रज गुणनफल की विधि, लेकिन वो इतनी ज़्यादा आईएमपी नहीं है जितनी ये आईएमपी की। दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक फीस नहीं भरी है, प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जल्दी से जल्दी फीस भर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।